बीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ट्रेन चलते हैं और एक जगह से जब छोड़ते हैं और दूसरा जगह पहुंचने तक, इसके अंदर में कुछ टेस्टिंग होते हैं, कुछ एग्जामिन होते हैं। इस एग्जामिन और टेस्टिंग में से जैसे रोल इन एग्जामिनेशन, रोल इन आउट एग्जामिनेशन, इसके साथ में एक एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर का एग्जामिन होता है, वो भी नॉमिनेट पॉइंट में। ये एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर क्यों लिया जाते हैं, आप लोग जानते हैं कि ट्रेन चलते चलते उनके जो बियरिंग होते हैं उसमें एक हीट पैदा होते हैं, तो हीट आस्ते आस्ते जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें हॉट एक्सेल हो जाने के उम्मीद होते हैं। तो ये हॉट एक्सेल होने से प्रॉब्लम क्या होता कि गाड़ी आपका कोई जगह में जाके डिस्टर्ब होता है, एक्सीडेंट हो जाने सकता है। इसके लिए एक सिस्टम लाया गया था जो कि एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर नापने का आपको प्रबंध आ गया था। आगे क्या होता था, हाथ से बियरिंग को छू कर देखते थे कि कितना टेम्परेचर होंगे, तो मतलब अनुभूति से। वर्तमान अनुभूति का युग चले गया, उसी लिए अभी इस तरीके के आपको और दूसरा बहुत सारा किस्म के आपको इन्फ्रारेड थर्मोमीटर मिलते हैं, इसमें आपका एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर आपको लिया जाते हैं और वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो फिलहाल बात ये होता है कि इनमें जब मैं किस तरीका से मैं इसके टेम्परेचर एग्जामिन करेंगे बहुत डिस्टर्ब होता है रेल लाइन में जब मैं वीडियो बनाते हैं, तो इसके भी कुछ नियम कानून से इसको इस एग्जामिन किया जाते हैं। और वो कोई आरडीओ से का लेटर नंबर से मैं दिखाएंगे लेटर नंबर, और किस तरीके से आप डिटेक्ट करेंगे कि कोई गाड़ी वार्म होने जा रहा है या तो हॉट एक्सेल होने जा रहा, आप उसके प्रिकॉशन किस तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने का आगे आज मैं एक आप लोगों को मेरा एक दोस्त से मिलाएंगे, मेरा पोती, जो कि देख सकते हैं ये मेरा बहुत अभी बहुत छोटे हैं। अब इनके जो YouTube में मेरा इनके भी एक YouTube चैनल है जिसका नाम है पोरी दोस्तों, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उसको आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता है। चैनल पे ना है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और पूरा ही इन्फ्रारेड टेम्परेचर देख सकते हैं। इन्फ्रारेड थर्मोमीटर है जो कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 550 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में इनको टेम्परेचर किया जाते हैं। ये उनके स्क्रीन है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं फारेनहाइट भी होता है, सेंटीग्रेड में भी होता है, इसका बटन है। और इसका फोकसिंग लेजर है 150 mm तक, मतलब आपको 2.5 से 3 mm 3 फीट तक आप इसको डिस्टेंस से इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे मैं दिखाएंगे। चलिए पकड़ लीजिए, ये ट्रेन आपका प्लेटफॉर्म में रुका है और प्लेटफॉर्म में आपका ये एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर का फीलिंग आपका नॉमिनेट पॉइंट है। तो आप किस तरीके से आप शुरू करेंगे और कैसे देखेंगे, मैंने आरडीओ से के लेटर नंबर से आपको ये दिखा रहे हैं। लेटर नंबर से इसका कानून बंधा हुआ है, आप इस गाड़ी में आपको 4 एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर वन साइड करेंगे आप और एक साइड में दूसरा कोई करेंगे। आरडीएसओ का नियम के अनुसार आप अपना साइड जो है ये 4 1 2 3 4 एक्सेल बॉक्स करेंगे और ये आपका इन्फ्रारेड थर्मोमीटर मशीन से करेंगे। और आप किस जगह में एलएचबी गाड़ी में किस जगह में मारना है देख सकते हैं। देखिए मैं इस जगह में पॉइंट किया हूँ और इनके आया है 32। आरडी को नियम के अनुसार 1 2 3 4 एक्सेल बॉक्स फिलिंग में नंबर 1 पॉइंट में बोल रहे हैं कि आप जिस तरीका से ये टेम्परेचर मशीन से 4 एक्सेल बॉक्स को कर रहे हैं और उसमें जो डिफरेंस होंगे, जैसे कि आपका वेदर टेम्परेचर का साथ में इस एक्सेल जब गर्म होता है उसके टेम्परेचर हम लोग को मिलते हैं, तो वो डिफरेंस होगा आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर होते हैं तो वो कुछ भी एक्शन नहीं होने का होते हैं। मैं देखिए ये एक नंबर माने 32 डिग्री सेंटीग्रेड के हो रहा है। ये गाड़ी अभी खड़ा है इसीलिए इसका टेम्परेचर रेशियो नहीं होगा, ये भी 30 डिग्री
टू डिग्री सेंटीग्रेड का है। तीन नंबर एक्सेल में मारा है ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड का है, क्योंकि ये गाड़ी खड़ा है जबकि गाड़ी रनिंग में होता है, इसका डिफरेंस होते हैं। इसमें भी देखिए मारे हैं, ये चार आपको मारना है, इसका रीडिंग लेना है। पकड़ लीजिए, अभी वेदर का टेम्परेचर 40 है, आपको लोएस्ट जो मिला है, लोएस्ट टेम्परेचर पकड़ लीजिए 45 मिला होगा, तो आपको हाईएस्ट टेम्परेचर इसका ऊपर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ऊपर नहीं जाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब चार एक्सेल बॉक्स का जो लोएस्ट होंगे और उसके जो हाईएस्ट होंगे उसमें 10 डिग्री का अंदर में अगर प्ले करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक्शन नहीं होने का। मैं बोल रहा है कि पकड़ लीजिए, मान के चलिए कि आप पहला ये जो मारे है, इसके बाद में लोएस्ट आपका 40 हुआ, तो हाईएस्ट आपका आ रहे है 51 देख रहे हैं, चार डिफरेंस में आपका बीच में पकड़ लिए 45, 46 और 40 के बाद में एक आपका 51 हो रहा है, या तो 52 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 तक आपका, ये 15, 10 से 15 का डिफरेंस होने से आपको 10 का ऊपर जब 15, 11, 12, 13, 14, 15 डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर में, तभी आपको टीएक्सआर पॉइंट को कवर करते हुए गाड़ी एक जगह से दूसरा डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाना चाहिए। ये आपका आरडीओसी का नियम अनुसार आपके दो नंबर में बोला है एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर के हिसाब से। नंबर पैरा में पकड़ लीजिए, आपका इधर 40 आए थे और दूसरा 45, 47, 48, ठीक है, उसके ऊपर में जबकि 15 माने 10 से आपको कोई एक्शन नहीं होगा, 10 तक 11 से लेकर 15 अगर डिफरेंस होते हैं कोई भी एक्सेल बॉक्स दोनों में, तो आपको टीएक्सआर पॉइंट का खबर करना पड़ेगा, हर टीएक्सआर पॉइंट चेकिंग होते होते जाएगा। इसके बाद में 16 से 20 अगर डिफरेंस, मतलब आपको 40 था, 55 से लेकर 56, 57, 58, 59, 60 तक का हिसाब आपको अगर हो गया, तो तभी आपका क्या करेंगे, आपको उधर गाड़ी में एकॉम्पनी जाना होगा। तो मतलब आपका इस पॉइंट पकड़ लीजिए मिनिमम आपका 40 था और आपका हाईएस्ट हो गया पकड़ लीजिए जो चार एक्सेल बॉक्स डिफरेंस में 56, 57, 58, 59, 60, मतलब आप देखिए 16 डिफरेंस, 17 डिफरेंस, 18 डिफरेंस आ रहे, तो उस टाइम में आपका एकॉम्पनी करते हुए डेस्टिनेशन पॉइंट तक गाड़ी जाएगी। का जो लेटर नंबर से आपका जो दूसरा पार्ट दिया है उसमें बोल रहा है कि रनिंग बियरिंग टेम्परेचर, तो रनिंग बियरिंग टेम्परेचर क्या होता है, देखिए मैंने इसका आगे दो एक्सेल का डिफरेंस में क्या होता है, वो किस तरीके से गाड़ी जाएंगे इसके ऊपर में एक्सप्लेन किया, अभी जो एक्सप्लेन कर रहा है ये सेकेंड पार्ट का। अब बियरिंग में पकड़ लीजिए, जब मैं चार बियरिंग को जब मैंने रीडिंग ले रहा है तो उस टाइम में डिफरेंस तो आप काउंट करेंगे, लेकिन आपका डायरेक्टली देख लीजिए कि ये 65 का नीचे है, तो 65 का नीचे है तो कोई एक्शन नहीं होगा। इसके सेकेंड धाप जो होंगे 65 से आपका, आप जब कर रहे हैं चार एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर में देख रहे हैं कि 65 से ज़्यादा लेकिन 80 से कम, तभी क्या करेंगे, तभी आपका गाड़ी में आपका सुपरवाइजर आपको एकॉम्पनी देकर गाड़ी को हर नोमिनेट जहाँ टीएक्सआर पॉइंट होता है उस तरीके से एकॉम्पनी देते हुए गाड़ी डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाए। नंबर पॉइंट जो होते हैं कि आप एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर में मारे हैं, दूसरा मारे हैं, आपका चार डिफरेंस तो शो कर रहे हैं, दूसरा बात चार डिफरेंस दो आपका एक्सेल बॉक्स का डिफरेंस आप मानते हुए 60-65 के मानते हुए लास्ट देख रहे हैं कि कोई 80 अभाव हो गया, तो 80 अभाव का मीन्स होते हैं आपको गाड़ी को आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब गाड़ी को उस रेक से डिटैच करना पड़ेगा। तो मतलब आपके ICF और LHB कोच में जो बियरिंग होते हैं 80 अभाव ICF में और इसमें दोनों में यही सिस्टम से काम करते हैं और 80 अभाव में गाड़ी डिटैच करना होता है। के लिए आपका ये सभी मानते हुए चलना पड़ेगा, लेकिन आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर अभाव होने से तभी गाड़ी को आप डिटैच कर लेंगे, ये वैगन के ऊपर में लागू है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग ये
इंफ्रारेड थर्मोमीटर से किस तरीके से और कुछ भी इसमें आप अगर करेंगे तो यही सिस्टम से करना पड़ेगा। आरडीओ से के नियम अनुसार जो पैरा मैंने दिए है उसी पैरा का अंडर में सभी को लागू रहेंगे। आरडीएसओ जो कि रिसर्च डिजाइनर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन किए जाते हैं वही सब आपका नियम कानून बनाते हैं रेल में और उनके नियम से ही सब गाड़ी को चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज का इस वीडियो में शायद आप लोग जान पाए कि एक्सेल बॉस टेम्परेचर करना क्यों ज़रूरत है, मतलब अगर एक्सेल बॉस टेम्परेचर में कुछ नहीं करेंगे कोई बड़ा फेल्योर हो सकता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता, बहुत बड़ा कैजुअलिटी हो सकता, क्योंकि एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर में जब आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर वो गाड़ी डिरेलमेंट होगा, ये बियरिंग हॉट एक्सेल होते हैं, मैंने बोला है कि हॉट एक्सेल से ये होते हैं, तो उस दौरान आपको नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी माना जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग समझ पाए हैं, मैं वीडियो को इधर एंड करता है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। नया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।